बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। द टॉपिक विच इज़ असाइन टू मी इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन द ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें हम अनेशन रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कॉन्टेंट्स। कॉन्टेंट्स में हम ये देखेंगे कि इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कुछ टर्म्स और कंडीशंस को देखेंगे, फिर हम मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होने वाले मैकेनिज्म्स को देखेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, नेक्स्ट वन एसोसिएटिव मैकेनिज्म, एंड द लास्ट वन इज़ द इंटरचेंज मैकेनिज्म। उसके बाद हम इनिशन रिएक्शन को देखेंगे, एंड द लास्ट वन हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस को देखेंगे। अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस टॉपिक का। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो मोस्ट जनरल रिएक्शन जो है, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट करते हैं, वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन होता क्या है कि किसी एक लिगेंड की रिप्लेसमेंट हो जाना किसी दूसरे लिगेंड से। मतलब कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर। तो इस प्रोसेस को या इस सब्स्टिट्यूशन को हम एक्सचेंज रिएक्शंस भी कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन वो होती है जिसमें एक लिगेंड जो है वो दूसरे लिगेंड से तब्दील हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन को हम एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें तो वो कॉम्प्लेक्स जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फास्टली या रैपिडली अंडरगो करते हैं, तो वो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो काइनेटिकली लेबाइल होते हैं। मतलब कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो रैपिडली या फास्टली होते हैं वो काइनेटिकली लेबाइल होते हैं, जबकि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो कि स्लोली प्रोसीड होते हैं और उनके होने का अमल बहुत स्लो होता है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। अब नेक्स्ट पे हम क्या डिस्कस करेंगे, हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आती है वो है हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स, और जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब ये वो स्टेट होती है कि जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, मतलब कि जब हम प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में तब्दील होने के दरमियान, उसके इंटरमीडिएट पॉइंट के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स बनता है या जो स्टेट होती है, उस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। मतलब कि किसी भी रिएक्टेंट का जब प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा होता है तो उसके दरमियान या उसके इंटरमीडिएट पॉइंट के ऊपर जो स्टेट होती है वो हमारे पास कौन सी स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है, और इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये एक मोस्ट अनस्टेबल स्पीशी होती है जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है और ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनती है, बाद में ख़त्म हो जाती है और जो रिएक्टेंट है मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। इसके अलावा ये आइसोलेटेड नहीं हो सकती, और अगर हम इसके नीचे दिए गए रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि एक्स और वाई जी बॉन्ड, ये जो दोनों हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये जो स्टेट होती है ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट होती है। एंड देन फिर क्या होता है कि फिर जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाता है, और ये जो चेंज है ये क्या आती है, एक्स वाई बॉन्ड, और प्लस क्या हो जाता है, जी हो जाता है। तो एट अ टाइम जो ये हमारे पास बनता है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो हमारे पास है या ये स्टेट जो हमारे पास है, ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के दरमियान में बनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि ये वो एनर्जी डिफरेंस है जो रिएक्टेंट के दरमियान और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दरमियान बनता है। एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि वो डिफरेंस हुआ जो कि रिएक्टेंट्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दरमियान बनता है, तो उस एनर्जी डिफरेंस को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, अटैकिंग रिएजेंट्स। अटैकिंग रिएजेंट्स कोई से भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, और जबकि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं वो मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्लासिफाइड किए गए हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर, और ये डिपेंड करते हैं अपॉन द नेचर ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म। इनमें हमारे पास कौन कौन से मैकेनिज्म आ जाते हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो हमारे पास है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। द नेक्स्ट वन हमारे पास है एसोसिएटिव मैकेनिज्म, एंड द लास्ट वन हमारे पास है इंटरचेंज मैकेनिज्म। अब हम सबसे पहले हर एक मैकेनिज्म को बारी बारी डिस्कस करेंगे। हम इन तमाम मैकेनिज्म को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, जिसको हम SN1 मैकेनिज्म भी कहते हैं। ये एक यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसका अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ें तो नेक्स्ट पॉइंट में वो क्या कहता है कि MY बॉन्ड की फॉर्मेशन से पहले क्या होता है कि MX बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है, एंड देन MY बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। मतलब कि MY बॉन्ड की फॉर्मेशन से पहले MX बॉन्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका होता है। अब अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट जो होता है वो हमें कब डिटेक्ट होता है, वो हमें रेट डिटर्मिंग स्टेप में डिटेक्ट होता है, जो कि एक बहुत स्लो स्टेप है, जिसमें होता क्या है कि इंटरमीडिएट में जो मौजूद सेंट्रल मेटल है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो रिएक्टेंट के कोऑर्डिनेशन नंबर से कम होता है। मतलब कि जो हमारे पास इंटरमीडिएट बन रहा है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके सेंट्रल मेटल एटम का, वो रिएक्टेंट के सेंट्रल मेटल एटम से कम होता है। अब अगर हम नीचे दिए गए रिएक्शन की बात करें तो उसमें क्या है कि जो ML5X है उसके अंदर एडिशन होती है Y की, और ये क्या बन जाता है हमारे पास ML5Y+X। अब ML जo hai wo hamare paas kya hai, ye hamare paas jo hai inert ligand hai, jabki X hamare paas labile ligand hai। Ab hota kya, first step ke andar jo X ki removal ho jati hai, aur the next step Y ki addition ho jati hai, to hamare paas kya product ban jati hai। तो इस दौरान जो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है वो हमारे पास बन जाती है ML5Y, और जो X है वो हो जाता है हमारे पास रिमूव। तो इस सेक्शन के अंदर हमने ये देखा कि जो है ML5XY के साथ मिलता है और ML5Y बनाता है, और X जो है वो निकल जाता है। अब हम इस स्टेप को इसके मैकेनिज्म को देखेंगे, जो कि टू स्टेप मैकेनिज्म होता है। अगर इसके फर्स्ट स्टेप में हम देखें तो ML5X जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और ये हम जानते हैं कि एक स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और इसको हम यूनिमोलिक्यूलर भी कहते हैं। फर्स्ट स्टेप के होता क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो एक्स है वो रिमूव हो जाता है, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट आ जाता है ML5 के तौर पर, और एक्स जो है साथ हमारे पास आ जाता है एक्स। अब ML5 जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रिएक्टेंट के कोऑर्डिनेशन नंबर से कम होता है, जैसा कि हम पीछे पढ़ के आए हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि जो इंटरमीडिएट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो रिएक्टेंट के कोऑर्डिनेशन नंबर से कम होता है, और उस बात को हमने यहाँ देख भी लिया कि जो इंटरमीडिएट का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 5 है और रिएक्टेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इट्स मीन के जो कोऑर्डिनेशन नंबर इंटरमीडिएट का होता है वो रिएक्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर से कम होता है। अब हम इसका सेकंड स्टेप देख लेते हैं कि सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो ML5 है जो हमारे पास इंटरमीडिएट है वो फास्ट रिएक्शन करता है, और इसके अंदर एडिशन हो जाती है वाई की, और ये हमारे पास प्रोडक्ट बना देता है ML5Y, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारे पास प्रोडक्ट था ये अगेन वही कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है जो रिएक्टेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर था। मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, बट इंटरमीडिएट एंड रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर आर नॉट इक्वल। तो जो सेकेंड स्टेप है हमारे पास फास्ट स्टेप है, और फर्स्ट स्टेप जो है स्लो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है एक्स की रिमूवल हो रही है, जबकि सेकंड स्टेप में वाई की एडिशन हो रही है। अगर हम इस साइड में बने हुए रेट को देखें तो इसका रेट हम इस तरह लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ML5X। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं।
अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो डायग्रामेटिकली अगर हम इसको देखें डिसोसिएशन के प्रोसेस को, तो होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर जो Ml5x है, ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, जब इसके अंदर x की रिमूवल होती है तो दो तरह के इंटरमीडिएट बन सकते हैं, एक ये इंटरमीडिएट और एक ये इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट जो है वो हमारे पास है ट्राइगोनल बाय पैरामीटर, और जो ये इंटरमीडिएट है ये हमारे पास है स्क्वेयर पैरामीटर, मतलब कि जब एक्स की रिमूवल होगी ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स में Ml5x में, तो दो तरह के इंटरमीडिएट बन सकते हैं, चाहे वो फिर ये बने या ये बने, मत बेशक वो ट्राइगोनल बाय पैरामीटर बन सकता है या स्क्वेयर पैरामीटर बन सकता है। उसके बाद जब फास्ट रिएक्शन होता है, तो फिर फास्ट रिएक्शन में वाई की एडिशन होने के बाद Ml5y बनता है, और जो हमारे पास ज्योमेट्री आती है वो अगेन ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री आ जाती है। तो ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें क्या होता है ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स में एक्स की रिमूवल होती है तो वो ट्राइगोनल बाय पैरामीडल या स्क्वेयर पैरामीडल में चेंज होती है, और फर्दर जब वाई की एडिशन होती है और फास्ट रिएक्शन होता है तो वो दोबारा से ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, अब हम SN2 और जिसको हम एसोसिएटिव मैकेनिज्म भी कहते हैं, हम वो देख लेते हैं। सेकंड मैकेनिज्म हमारे पास जो आ रहा है वो है एसोसिएटिव मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म के अंदर होता क्या है कि जो इसमें डिसोसिएटिव रिएक्शन मैकेनिज्म से उल्टा प्रोसेस होता है, इसमें होता क्या है कि जो इंटरमीडिएट रेट डिटरमिनिंग स्टेप के दौरान बनता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो इंटरमीडिएट बनता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में SN1 के अंदर, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो रिएक्टेंट से कम होता है, बट इन एसोसिएटिव मैकेनिज्म इंटरमीडिएट जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में बन रहा है उसकी हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है देन दी रिएक्टेंट रिएक्टेंट से। अब जो इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जो MY बॉन्ड है वो इसके अंदर मुकम्मल तौर पर बन जाता है MX बॉन्ड की ब्रेकडाउन से पहले बन जाता है। MY बॉन्ड इसके अलावा जो MY बॉन्ड है वो MX बॉन्ड की ब्रेकडाउन से पहले बन जाता है, और ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है जो कि दो स्टेप्स पर मुश्तमिल है। अगर इसका पहला स्टेप देखा जाए तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर इसका मैकेनिज्म हम देखें तो Ml5x जो है वो क्या कर रहा है, स्लो स्टेप हो रहा है, बायोमोलिक्यूलर है, और रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी कहते हैं इसको हम। इस दौरान क्या हो रहा है, वाई की सबसे पहले एडिशन हो रही है, ना कि एक्स की रिमूवल, वाई की एडिशन हो रही है, और हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास अनस्टेबल Ml5xy बन रहा है जो कि अनस्टेबल है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर Ml5x से ज़्यादा है, मतलब कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है जबकि 7 है, जबकि इंटरमीडिएट मतलब कि जो इंटरमीडिएट का कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारे पास क्या है, 7, और जो हमारे पास Ml5x का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारे पास है 6। अब क्या होता है कि अगर सेकंड स्टेप को देखें तो ये इंटरमीडिएट है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है, और जो रिएक्टेंट था उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। अब होता क्या है कि अब जो है वो फास्ट रिएक्शन होगा और इसके साथ साथ जो है एक्स की रिमूवल हो जाएगी, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगी Ml5y, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो अगेन हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये थी एसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो अगर हम इसका भी रेट देखें तो इसका रेट है के इज इक्वल टू Ml5x की कॉन्सेंट्रेशन और वाई की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये था एसोसिएटिव मैकेनिज्म। और अगर हम इसको भी डायग्रामेटिकली देखें तो इसमें वही बात दिखाई गई है कि ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स Ml5x है जिसमें स्लो जो है वो रेट है, और वाई की क्या हो रही है, एडिशन। जब वाई की एडिशन हो रही है तो हमारे पास एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है जो कि 7 कोऑर्डिनेटेड है, मतलब कि उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 7 है। देन क्या हो रहा है, फास्ट रिएक्शन हो रही है और एक्स की रिमूवल हो रही है, और हमारे पास अगेन ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है Ml5y, और इसकी और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है जो कि है 6। अब हमारे पास आ जाता है इंटरमीडिएट इंटरचेंज मैकेनिज्म। इंटरचेंज मैकेनिज्म में जो है कोई एविडेंस नहीं मिलता हमें इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन का,
और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होती है उसमें सबस्ट्रेट भी होता है और लिगेंड भी मौजूद होता है, लेकिन जो इंटरमीडिएट है ना उसकी हमें इसके अंदर कोई एविडेंस नहीं मिलती उसकी फॉर्मेशन की। अब जो इंटरचेंज मैकेनिज्म है उसके पास उसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं जिनमें हमारे पास फर्स्ट टाइप आ जाती है इंटरचेंज डिसोसिएटेड, जिसको हम IA के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेकंड वन है वो हमारे पास है इंटरचेंज डिसोसिएटिव, जिसको हम ID से डिनोट करते हैं। इंटरचेंज डिसोसिएटिव वो एक मैकेनिज्म है जिसमें रेट जो है वो डिपेंड करता है ग्रुप के एंटरिंग पे और बॉन्ड की फॉर्मेशन पे, और जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो इस मैकेनिज्म के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग से ज़्यादा अहम है और उसका रोल ज़्यादा होता है ना कि बॉन्ड ब्रेकिंग का, और ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ एंटरिंग ग्रुप के ऊपर और बॉन्ड की फॉर्मेशन के ऊपर। जबकि सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है इंटरचेंज डिसोसिएटिव, इसके अंदर क्या होता है कि जो रेट जो होता है वो डिपेंड नहीं करता नेचर ऑफ एंटरिंग ग्रुप के ऊपर, और इसके अंदर बिल्कुल इंटरचेंज डिसोसिएटिव से बिल्कुल उल्ट होता है कि इसके अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो मोर इम्पोर्टेंट होती है देन दी बॉन्ड मेकिंग देन दी बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहाँ डिफरेंट तरह के एनर्जी रिएक्शन के जो है वो डायग्राम दिखाई गई है, जैसे कि जिन रिएक्शन को हम पीछे पढ़ के आए हैं उन्हीं को यहाँ डिस्कस किया गया है कि इस रिएक्टेंट जो है उसके प्रोडक्ट में चेंज होने के दरमियान में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो इस पॉइंट के ऊपर हैं। और जो ये पॉइंट है ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में जाने से पहले जो हमारे पास दरमियान के अंदर हमारे पास जो स्टेट बनती है इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर लिगेंड जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर जाता है, या OH ग्रुप भी हम इसको कह सकते हैं बिकॉज H2O इज बिलोंग टू OH ग्रुप। सो दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन वो लिगेंड है इन विच जो लिगेंड है वो रिएक्शन हैं जिनमें जो लिगेंड है वो वाटर मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो जाता है। इसके अलावा ये रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक्वा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है रिप्लेसमेंट ऑफ लिगेंड बाय H2O। लिगेंड को H2O से रिप्लेस करके जो एक्वा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है उन रिएक्शंस को भी हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। ये वो रिएक्शन है जिनके अंदर H2O जो है जिसमें H2O की रिप्लेसमेंट होती है लिगेंड से और एक एक्वा कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको हम एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं और एक्वेशन भी कहते हैं। और वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स बनता है OH की लिगेंड से रिप्लेसमेंट करने से उसको हम बेस हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं, यानी कि हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है लिगेंड की OH से रिप्लेस होके और उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। मींस टू से कि एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक्वा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है H2O की लिगेंड से रिप्लेसमेंट करके, और बेस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन वो है जिसमें हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है OH की लिगेंड से रिप्लेसमेंट करके। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस को। एसिड हाइड्रोलिसिस जो होते हैं ये इट अकर्स इन न्यूट्रल फॉर्म और एसिडिक सॉल्यूशन बनता है जिसकी pH जो है वो 3 से कम होती है, और जो एसिड हाइड्रोलिसिस में जो रेट है वो वाटर मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होता है। तो इन बातों को हम नीचे दिए गए एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसमें अगर हमारे पास नीचे जो सबसे पहले एग्जाम्पल आ रही है वो ये है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास जो रिएक्शन है इसमें हमारे पास है कोबाल्ट क्लोराइड पेंटामाइन जो कि रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में हमें पता है कि जो लिगेंट है वो H2O के साथ रिप्लेस हो जाता है और हमारे पास एक एक्वा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो इस रिएक्शन के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो कोबाल्ट क्लोराइड पेंटामाइन जो है इसके अंदर जो क्लोराइड है वो क्या नाम है रिप्लेस हो गया है वाटर से, और हमारे पास
ये आ जाता है एक्वा कॉम्प्लेक्स, और जो सीएल है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है एसिड हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल है। नीचे हम इस चीज़ का रेट भी देख सकते हैं कि के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड फेंटा अमाइन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म आ जाता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है और नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव मैकेनिज्म है। अगर हम डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि कोबाल्ट क्लोराइड जो पेंटामाइन है वो स्लोली रिएक्ट करता है, स्लोली भी कर सकते हैं फास्टली भी। तो ये किस में चेंज हो रहा है, हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड पेंटामाइन जो हमारे पास CONH3 5 ब्रैकेट 3 पॉजिटिव के अंदर चेंज हो रहा है। हमारे पास जो सीएल है उसकी रिमूवल हो रही है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास H2O वाटर की एडिशन हो रही है, और ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, फास्ट स्टेप है, और इसके बाद हमारे पास ये क्या बन जाता है, एक एक्वा कॉम्प्लेक्स। तो ये थी हमारे पास डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एसोसिएटिव मैकेनिज्म। एसोसिएटिव मैकेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है कि जो कोबाल्ट क्लोराइड पेंटामाइन है वो रिप्लेस हो रहा है H2O के साथ। सबसे पहले मतलब कि हम ये बात H2O के साथ सबसे पहले ये क्या नाम है, H2O की सबसे पहले कोबाल्ट क्लोराइड पेंटामाइन में एडिशन हो रही है, और ये हमारे पास एक एक्वा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। नेक्स्ट वन क्या हो रहा है, नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो है हमारे पास क्लोराइड जो है उसकी रिमूवल हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के अंदर होता क्या है कि सबसे पहले जो है रिमूवल होती है और फिर फॉर्मेशन होती है, और एसोसिएटिव मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले फॉर्मेशन होती है एंड देन रिमूवल होती है। तो वही बात इस मैकेनिज्म के अंदर भी दिखाई गई है। अब हम नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, फैक्टर्स देख लेते हैं जो एसिड हाइड्रोलिसिस पर डिपेंड करते हैं। वो ये हैं कि जो रिएक्शन सेंटर है, जो उसकी क्राउडिंग होती है रिएक्शन सेंटर की, वो डिसोसिएटिव प्रोसेस को फेवर करती है। इसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट जब इंक्रीज होता है तो अल्काइल सब्स्टिट्यूशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये इंक्रीजिंग अल्काइल सब्स्टिट्यूशन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टॉर्ट कर देती है मेटल की तरफ जाने से, और फिर भी क्या होता है, डिसोसिएटिव प्रोसेस होता है। इसके अलावा जो रेट है वो रेट जो होता है वो डिक्रीज होता है विद ओवरऑल चार्ज ऑन द मेटल एटम जो होता है वो इंक्रीज होता है। मतलब जो हमारे पास रेट है वो कम हो रहा होता है और जो मेटल का चार्ज है वो बढ़ रहा होता है। तो ये भी हमें क्या इंडिकेट करता है कि ये एक डिसोसिएटिव प्रोसेस है। इसके अलावा जो लिगेंड प्रोसेसिंग लॉन पेयर जो है, इसके अलावा जो लिगेंड प्रोसेस के पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो भी डिसोसिएटिव प्रोसेस को फेवर करता है, और जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन को ड्रा करते हैं मेटल के सेंटर से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से जो है कि प्रोसेस से, वो क्या करते हैं, वो फेवर करते हैं एसोसिएटिव प्रोसेस को। मतलब कि जो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइजेशन के प्रोसेस से मेटल के सेंटर से विड्रॉ करते हैं वो एसोसिएटिव प्रोसेस को फेवर करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यही एविडेंसेस जो हम पहले पढ़ के आए हैं कि नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि NO3 पॉजिटिव जो है, ये NO3 नेगेटिव जो है, इसकी रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज़्यादा है NCS से। उसके बाद मतलब ये कि जितना जो है लिविंग ग्रुप, इसका मतलब ये है कि जितनी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चार्ज इफेक्ट। चार्ज इफेक्ट में भी ये होता है कि जितना चार्ज ज़्यादा होता है उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन कम होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट एविडेंस है वो हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ चिलेशन। इफेक्ट ऑफ चिलेशन में हमारे पास जो मॉलिक्यूल चिलेटिंग प्रोसेस करते हैं, ये जो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस में भी जो रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के प्रोसेस से, और ये भी क्या करता है, पोजेस करता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को।
वन हमारे पास आ जाती है बेसिक हाइड्रोलिसिस, जो कि बेसिक सॉल्यूशन में अक्कर होती है, और इसकी पीएच होती है वो 10 से ज़्यादा होती है। ये टू स्टेप मैकेनिज्म होता है, और जिसमें हमारे पास आ जाता है SN2 जिसको हम एसोसिएटिव मैकेनिज्म कहते हैं, उसके बाद SN1 जिसको हम डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कहते हैं। जो SN1 मैकेनिज्म होता है वो मोर फेवर होता है देन द SN2 मैकेनिज्म। एसिड बेस जो प्रॉपर्टीज होती हैं कॉम्प्लेक्सेस की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी और इसकी न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज से। इसके अलावा जो रिएक्शन नॉन हाइड्रोक्सिक सॉल्वेंट्स में होते हैं, मतलब कि डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड में, उनको हम SN1 मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, ना कि SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसी बेसिक हाइड्रोलिसिस में जो हमने पीछे पढ़ा है उसका, अगर हम मैकेनिज्म को देखें तो वो ये है कि अगर एसोसिएटिव मैकेनिज्म के तौर पे देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है, कोबाल्ट क्लोराइड पेंटामाइन स्लो प्रोसेस करता है रीडिटर्मिंग स्टेप के अंदर, OH की एडिशन होती है। हमें पता है कि जो बेसिक हाइड्रोलिसिस है उसके अंदर OH की रिप्लेसमेंट हो जाती है लिगेंड से, तो इसी तरह इसी बात को इसके रिएक्शन के अंदर दिखाया गया है कि इसके अंदर होता क्या है कि OH की जो है वो एडिशन हो रही है इस स्टेप के अंदर, और ये हमारे पास एक हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, फिर फास्ट रिएक्शन होता है और क्लोराइड की रिमूवल हो जाती है। तो इसका भी जो है हमारे पास रेट जो है वो यहाँ दिया गया है। इसके बाद डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को तरफ देखा जाए तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के अंदर होता क्या है कि हम जानते हैं कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म जो होते हैं उनमें पहले फॉर्मेशन होती है फिर रिमूवल, जबकि डिसोसिएटिव में पहले रिमूवल और फिर फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या हो रहा है, पहले हो रहा है हमारे पास एसिड और बेस मिल रहे हैं और हमारे पास एक और बेस और एसिड बना रहे हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास क्या होता है, स्लो स्टेप होता है जिसमें SN1 डिसोसिएशन होती है, ये रेट डिटरमिंग स्टेप है। और इसके अंदर होता है क्या है कि दो अमाइन जो है वो मिल जाते हैं जिसका जो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 होता है, और ये हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स जो है वो बना देते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है, और इसमें क्या होता है Cl की रिमूवल हो जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमने जो पीछे मैकेनिज्म ड्राइव किया है उसका हमें रेट दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है लास्ट वन रिएक्शन जो है हमारे पास इनिशियल रिएक्शन है। इनिशियल रिएक्शन एक्वा लिगेंड H2O मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं रिप्लेस करके कोऑर्डिनेशन सेल को बाय सम N9, मतलब कि किसी N9 को कोऑर्डिनेशन सेल से रिप्लेस करके एक एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और उसको हम इनिशियल रिएक्शन कहते हैं। ये जो इनिशियल रिएक्शन होते हैं ये एसिड हाइड्रोलिसिस के रिवर्स होते हैं, ये बायमोलिकुलर रिएक्शन होते हैं, और इनमें रेट जो है वो डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन पे और N9 पे। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, एनेशन रिएक्शन। इसके अंदर अगर हम एक एग्जांपल को देखें तो इसके अंदर हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक्स लिगेंड के साथ जो है वो मिल रहा है, और फिर क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स की में H2O जो है वो रिप्लेस कर जाता है इस एक्स लिगेंड के साथ, और हमारे पास H2O जो है वो बाहर आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इनेशन रिएक्शन। So this is the end of my topic. If you have any question regarding this topic, then you can ask me in the comment section. Thank you.